नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। कोरोना महामारी के दौरान हुए खिचड़ी घोटाला मामले में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के भाई संदीप राउत की बढ़ी मुश्किलें, आज ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए होंगे पेश। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण करने वाली कंपनी का आज सरकार करेगी चयन। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक कर लिया जाएगा निर्णय। एक्सप्रेसवे पर अब इलेक्ट्रिक वाहन भी भरेंगे रफ्तार, जहां हर 50 किलोमीटर पर बनाए जाएंगे चार्जिंग पॉइंट, सड़क परिवहन मंत्रालय ने दिया निर्देश। यूपी के कौशाम्बी जिले में बकरा चोरी कर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस के एक सिपाही को बेलोरो से रौंद दिया। इस घटना में सिपाही की मौत हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुरेठा उतारने के सवाल पर पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि भाजपा मेरी दूसरी माँ है, विरोधी दल के नेता के तौर पर मुरेठा बांधा था, वहीं पार्टी के सम्मान में अगर हमें सर भी मुड़वाना पड़े तो मुड़वा लूंगा, मैं अयोध्या जा रहा हूँ, वहीं बाल कटाऊंगा। लाल किला स्थित आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को कैद में रखने वाले जेल का ताला वर्षों के बाद खुल रहा है, जहां नेताजी की फौज के 3 सैन्य अधिकारियों को बावली में कैद करके रखा गया था, अब इसे पर्यटन के लिए खोला जाएगा। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा बने चंडीगढ़ के नए एडवाइजर, इससे पहले पुद्दुचेरी में थे सचिव। पंजाब और हरियाणा की जेलों में मेडिकल स्टाफ की कमी पर हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट, 80% पद हैं खाली। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। केंद्र सरकार 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करने वाली है, जिसके मद्देनजर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं खबर है कि इस बार के बजट में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई लोक लुभावन घोषणा की जा सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार के कटिहार पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी कटिहार में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि इस जनसभा में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव शामिल होंगे या नहीं, ये असमंजस है, क्योंकि तेजस्वी यादव को आज ईडी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली में ग्रामीण विकास बैंक और सहकारी समिति के लिए कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर आज देश भर में शहीद दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित देश के तमाम दिग्गज हस्तियां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी संसद का अधिवेशन शुरू होने से पहले आज दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसका उद्देश्य संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों का सहयोग मांगना है, क्योंकि आशंका है कि पिछले बैठक में जिन 146 सांसदों को निलंबित किया गया था, उसको लेकर विपक्ष हंगामा कर सकती है। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने की चर्चा फिर से तेज हो गई है, जहां केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने यहां तक दावा कर दिया कि आने वाले 7 दिनों में सीए केंद्र सरकार सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करने वाली है। अब इस मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वी राज्य के सीमावर्ती इलाके के लोगों से आग्रह किया है कि वे बीजेपी के फर्जी पहचान पत्र को स्वीकार न करें, नहीं तो वो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के दायरे में आ जाएंगे। भूकंप आने से पहले ही मिल जाएगा अलर्ट, जहां मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में लगाए जाएंगे 28 सिस्मोमीटर। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, जहां कांग्रेस के बड़े नेता जाम जोधपुर से पूर्व कांग्रेस विधायक चिराग कालरिया और डबहोई से पूर्व विधायक बाल कृष्ण पटेल तथा बड़ौदा डेयरी के निदेशक कुलदीप सिंह रावजी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पश्चिमी राजस्थान में गुड़गांव की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के 13 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से 7 बदमाशों को पकड़ लिया गया। वहीं मौके से बिना नंबर की 2 गाड़ियां भी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया।
महुआ में अभी अजय सोनी गोली कांड का मामला शांत भी नहीं हुआ कि एक अन्य व्यक्ति से फिरौती की मांग करने का मामला सामने आया है और नहीं देने पर जान से मारने की बात कही गई है। पीड़ित महेंद्र राजपूत ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधिकारी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। रंजीत उर्फ रिंकू तिवारी पुत्र स्वर्गीय जयप्रकाश ग्राम सरकोंडा पंडित का पुरवा उम्र 30 वर्ष कुरवार थाने से ड्यूटी कर अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा रिंकू तिवारी के ऊपर फायरिंग कर दिया गया। इसे आनंद फानन में राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड वाइब्रेंट विलेज योजना में चयनित गाँव के प्रधान और उप प्रधान गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होकर दिल्ली से लौट आए, जहां दिल्ली में 27 जनवरी को हरसिल के उप प्रधान मानवेंद्र रावत की पत्नी अनुप्रिया रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोजपत्र की छाल पर बनाई गई उनकी तस्वीर भेंट की, जिनमें प्रधानमंत्री राम भगवान के आगे प्रणाम कर रहे हैं। वहीं अपनी तस्वीर देखकर प्रधानमंत्री प्रफुल्लित हो उठे और अनुप्रिया का आभार जताया। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी को दोबारा पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय से 31 जनवरी का समय दिया गया, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आधिकारिक पत्र ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया गया है। बता दें कि कल सुबह से ही ईडी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के निवास पर डटी रही, लेकिन सोरेन का पता नहीं चला। अब बीजेपी हेमंत सोरेन को भगोरा बता रही है। छत्तीसगढ़ में भगवान राम और कृष्ण को अवतार न मानने की शपथ दिलाने वाले शिक्षक पर गिरीगाज, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने सोमवार को कहा कि मध्य प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कानून लाएगी कि परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में चारों सीटों को जीतने के लिए 2 से 5 फरवरी तक कांगड़ा आ रहे हैं। यहां वह लोकसभा चुनाव की तैयारी में हिमाचल के भाजपा नेताओं को मार्गदर्शन देंगे। जम्मू के पैरा क्रिकेट आमिर हुसैन लॉन ने अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अदानी से वित्तीय सहायता मिलने पर उन्हें धन्यवाद कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें क्रिकेट के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अदानी सर की तरफ से सहायता मिलेगी। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।